फैमिली ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से हम भी अच्छा है। और बच्चे जो है स्कूल चले गए अभी, और अभी मैं आज तो बच्चों को छोड़े नहीं गई हूँ, आज उसके पापा गए हैं छोड़ने के लिए। तो अभी जो है देखिए बालकनी में बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी सुबह के टाइम में तो अभी ज़्यादा कुछ अभी नाश्ते का पकाऊंगी नाश्ता अभी, लेकिन अभी जा रही हूँ थोड़ा सा क्रंची वगैरह पढ़ लेने के लिए, उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। तो अभी सुबह का टाइम है और अभी इतना भी तो नाश्ता बनाने में टाइम है। तो जो यहाँ पे मैं अभी कल मैंने कपड़े धोए थे तो सारे पसरे हुए, अभी देती हूँ जो जो सूखे या सूखे हुए होंगे उसे उठा लूंगी, क्योंकि आजकल क्या है कपड़े सूखते भी बहुत देर से ही है इसलिए। और यहाँ बारिश हो रही ना तो और तकलीफ हो जाता है कपड़े सुखाने में। देखेंगे ये अभी कल से डला हुआ है ये, लेकिन अभी तक भीगा हुआ है ये भी सब भीगा हुआ है अभी, तो ये अभी उठाना नहीं पड़ेगा मुझे। जो सूख चुके हैं सिर्फ उन्हीं को मैं उठा लूंगी। यही चक्कर हो रहा है आजकल बारिश की वजह से, बहुत मुश्किल हो रहा है कपड़े धो लो तो उसे सुखाना एक बहुत बड़ा काम है। तो इसीलिए भी जो जो सूखे हैं सिर्फ उन्हें मैं उठा लूंगी। ये सब देखिए सब जगह पसरे रहते हैं और सबको पसंद रखा है मेरे, लेकिन अभी तक सूखा नहीं है, सारी जगह से अभी तक जो है ना भीगे हुए ही कपड़े हैं। तो बस इन लोग को अभी हम तो बस अभी इन कपड़ों को मैं सिला लूंगी, उसके बाद फिर नाश्ते का इंतजाम करूंगी। तो ये इतने सारे कपड़े धोए हैं लेकिन उनमें से सिर्फ चंद ही कपड़े सूखे हैं, बाकी सब अभी भीगे हुए हैं। अभी देखिए ना आज का मौसम भी वैसे ही लग रहा है कि पता नहीं बारिश होगी नहीं होगी, अभी लग रहा है वैसे ही बदली बदली सा मौसम। तो अभी मुश्किल है कपड़ा सूखना भी। ये मैं सरिया दे रही हूँ जो सूख गए हैं, वो कपड़े सरिया के रख दे रही हूँ मैं। तो ये अभी सुबह का टाइम है और मैं नाश्ता बना रही हूँ। आज नाश्ते में मैं आलू का पराठा बना रही हूँ, इसलिए मैंने आलू को जो है बॉइल करने चढ़ा रही हूँ कुकर में, क्यों कुकर में इजी हो जाता है, दो तीन सीटी लगाने पे कुकर में गल जाता है, इसलिए कुकर में ही चढ़ा दे रही हूँ आज। तो आलू जो है बॉईल हो गया, हम इसे निकाल देते हैं। और अभी तो ये बहुत गर्म है, छीले में थोड़ी हो गए तो इसे अभी इसे ठंडा होने देंगे और तब तक हम पराठे के लिए आटा सान लेते हैं। आलू जो होते हैं ठंडे होंगे तब तक मैं आटा सान लेती हूँ, और आटे में मैं हल्का सा नमक भी दे देती हूँ। जब भी मैं पराठा बनाती हूँ तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ ताकि आटा में भी नमक लगे। तो यही मैंने आटे में थोड़े से नमक डाल दिया और कुछ नहीं डालना है, बस इसे पानी से सान लीजिए। और आटा हमेशा वैसे ही सानिए, जितना आपका आलू गीला हो उतना ही आटा को भी वैसे ही रखना है, क्योंकि अगर आप टाइट सानेंगे तो आलू निकल जाएगा बाहर, इसलिए दोनों का जो होता है का जैसे जितना आलू आपका गीला हो वैसे ही आटा भी वैसे ही सानना चाहिए पराठे में। तो यहाँ पे मैं आटा सान ले लूँ। तो ये मैंने आटा सान लिया और ये उतना ही सॉफ्ट है जितना हमने आलू को ये किया है, वैसे ही ये सॉफ्ट है। और ये मैंने आलू को छील करके इसको मैश कर लिया है, और इसमें मैं ज्यादा कुछ डालती नहीं हूँ पराठे में धनिया पत्ती डालती हूँ अच्छे भर करके, एक बंडल मैं इसमें धनिया पत्ती डालूंगी। और ये मैं छोटे छोटे धनिया पत्ते को काट ले रही हूँ, और इससे पराठे में ना बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। तो और आज मैं इसलिए भी बना रही हूँ ना, बहुत दिन से मलाइका मुझे कह रही थी कि मम्मी पराठे बना के दे, उसे बहुत पसंद है आलू के पराठे, तो इसीलिए आज सुबह सुबह नाश्ते में मैं ये पराठे बना दे रही हूँ। इसमें मैंने धनिया पत्ती काट दिया है और अब मैं दो तीन काटूंगी इसमें हरी मिर्च, क्योंकि और तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ मसाले देती हूँ नहीं, एकदम सिंपल बनाती हूँ ये वाला पराठा कि ज्यादा कुछ इसमें मसाले नहीं हो। और मिर्चे भी मैं दो से तीन पीस ही दूंगी, क्योंकि बच्चे खा रहे हैं तो वो ज्यादा मिर्चे नहीं खा पाएंगे, इसीलिए ज्यादा नहीं डालूंगी, दो से तीन पीस ही मिर्ची डालूंगी मैं। और ये हो गया हमारा मिर्च। और यहाँ पे मैं ये बिरयानी करके रखी थी इसको डाल देती हूँ मैं पराठे में, बस इसमें नमक डालेंगे और हल्का सा तेल डालेंगे, नमक जितना आपको एडजस्ट हो, जितना आपको स्वाद के अनुसार नमक डालें। और इसमें दो से तीन चमची मैं तेल डाल देती हूँ ताकि वो जो चिपचिपापन होता है ना वो खत्म हो जाता है, तो दो से तीन चमची मैं तेल डाल देती हूँ। बस इन सब चीजों को हम मिला देंगे, बस इतना ही चीजें डालती हूँ मैं, इससे ज्यादा नहीं डालती हूँ कुछ भी।
अगर आप इसमें चाहे तो आप चाट मसाला भी डाल देते हैं, उससे चटपटा थोड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं बस इन्हीं चीजों को डाल के पराठा बनाती हूँ। तो बस सुबह सुबह नाश्ता, अभी तो बच्चे के आने में बहुत देर है अभी, इसलिए मैं अभी बस लोई बनाऊंगी, अभी रख दूंगी अभी, क्योंकि अभी इतना सभी मैं भी नहीं नाश्ता करूँ। तो ये हमने ये देखी एक ऐसे छोटे छोटे लोई बना लेंगे हम। लाइका जो है देखिए कितना खाती है, अभी देखिए अभी हम इसका एक छोटे छोटे लोई बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हम इसके छोटे से लोई बनाएंगे, ऐसे लोई बनाते हैं। और इसको हम आलू में इसमें थोड़ा सा आटा एक लगा देंगे ताकि ये चिपके ना हमारे हाथ पे। अब हम इसे इस तरीके से मैं इसका टोकरी टाइप का बना देती हूँ। लोग जो है अलग अलग टाइप से पराठा बनाते हैं, मैं तो इस टाइप का लोई बनाती हूँ। और बहुत सारे ऐसे करते हैं कि एक पूरा रोटी बना ले तो उसके ऊपर आलू का स्टफ डालते हैं, उसके बाद फिर से एक रोटी डालते हैं और उसको फिर साइड साइड से ही कर देते हैं। तो मैं इस टाइप से बनाऊंगी। अब मैं ये एक आलू इसमें डालूंगी, और इसका जो इस टाइप का है यहाँ पे ये बहुत मोटा होता है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे दबा दबा के आलू अंदर डालेंगे, और उसके बाद ये वाला ऐसे ऐसे फोल्ड करते जाएंगे इस तरीके से। तो फोल्ड कर दिया, ये जो है मोटा पोर्शन जो है वो ऊपर से निकल जाएगा। ये देखिए इसको आप चाहे तो ऐसे दबा भी सकते हैं, और चाहे तो इस तरफ से निकाल भी लेंगे, इसे थोड़ा सा ऊपर से आप चाहे निकाल लीजिए ऐसे। तो ये देखिए ये हमारा लोई हो गया तैयार। तो इसी तरीके से मैं सारा लोई तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये लोई बना लिया है, तो अभी मैंने लोई बना के रख दिया है, और अभी नहीं बनाऊंगी पूरियां बाद में बनाऊंगी, अभी इसे बना के रख दिया है, क्योंकि अभी जाने का भी मेरा टाइम हो गया है। बच्चे को आज मुझे ही लाने जाना है, क्योंकि आज रोजाना मैं सुबह की ड्यूटी निभाती हूँ, लेकिन आज जो है मेरे हस्बैंड को कुछ काम है, इसलिए अभी मैं जाऊंगी लाने के लिए अब बच्चों को। और वो लोग बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि कभी भी मैं जाती हूँ ना तो बहुत खुश होने लगते, क्योंकि नॉर्मली मैं जाती ही नहीं हूँ लाने के लिए, छुट्टी के दिन टाइम ऐसे पहुंचाने जाती हूँ। तो आज उन लोग बहुत खुश भी होंगे, और उन लोगों को सरप्राइज भी दूंगी। तो अभी बस निकलने वाली हूँ अब, और ये पूरी तो मैं आ करके फ्राई करूंगी ताकि वो लोग भी गरम गरम खाएं। तो ये अब मैं जा रही हूँ बच्चों को लाने के लिए, क्योंकि आज जो है मेरे लाने की थी, क्योंकि आज सुबह मेरे हस्बैंड ने पहुंचा दिया था, उन्हें अभी काम पे जाना है, इसीलिए अभी लाने का ड्यूटी अभी मेरी है। तो मैं जा रही हूँ, एक बंद कर दूं। आज मलाइका थोड़ा मुझसे गुस्सा है। हाँ गुस्सा ये खुश है कि मम्मी लेने आई है। हाँ मलाइका नहीं बोलती है, मलाइका आज नहीं बोलेगी। चलो बेटा, तो यहाँ पे जो है बच्चे मलाइका को कुछ लेना था, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर केक वगैरह, तो ये। और यहाँ पे जो है कि अरबी बुक खत्म हो गई थी, तो फिर वहाँ पे हमने रुका अरबी बुक के लिए, वहाँ पे से अरबी बुक लिए, और ये रास्ते में हमें अंजी नजर आया, और मैं और मलाइका दोनों ही है पक्की अंजी खाते हैं, इसलिए हम लोग पक्की हुए अंजी लिए। अब हम लोग आ गए हैं घर वापस। तो तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी, और तुमको मम्मी आज आने के खुश हो। हाँ सुन ना मेरा बाबू, चलो पराठा पूरा मिला गया है। और ये देखिए दोनों आलू और आटे का जो है मिक्सचर इतना टेक्सचर एक जैसा था, इसलिए देखिए फटा नहीं है, बिल्कुल प्लेन गोल बनाया। तो ये देखिए ये हम डाल देंगे इसमें। और बच्चे जो है अभी स्कूल से आ गए हैं, और अभी उन्हें नाश्ता चाहिए, भूख लग गई उन लोगों को जोर से। तो बस ये अब मेरा पराठा जो है फ्राई कर रही हूँ मैं, अब फ्राई करके जल्दी से उन्हें दे दूंगी मैं पराठे, क्योंकि सारा तो किया हुआ था, सिर्फ बेलना है और फ्राई करना है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस ये हमारा हो गया है पहला पराठा तैयार, और मलाइका जो है अभी गई है नहाने के लिए, मुझे बहुत गर्मी लग रहा है मम्मी, तो अभी मैं थोड़ा सा नहा लूँ, तो वो अभी नहाने गई है। ये देखिए हमारा पराठा जो हो गया तैयार, ये हमारा पराठा हो रहा है तैयार। ये देखिए मलाइका ले लीजिए, मलाइका नाश्ता आप अपना, चलिए पेपर बिछा के खा लीजिए, अच्छे से पैर फोल्ड कीजिए, पैर फोल्ड कीजिए अच्छे से।
तुमको पसंद है ना पराठे? आलू पराठे। हाँ आलू पराठा है, ठीक है। हाँ ठीक है, रख दूंगी आपके लिए, आप खा लो। हाँ अच्छे से। तो मैं भी अभी नाश्ते के लिए बैठ गया, लेके आई हूँ अपना पराठा। और नॉर्मली मैं पराठा इसके साथ या तो दही के साथ या अचार के साथ खाती हूँ, लेकिन आज मैं पराठा केचप के साथ खाऊंगी। तो मैं भी यहाँ अपने लिए पराठा लेके आई हूँ और ये मैं केचप के साथ खाऊंगी आज। तो देखते हैं आज केचप के साथ, बच्चों के साथ, मैं भी आज बच्चा बन गई हूँ, देखती हूँ आज कैसा होता है आज हमारा टेस्ट। ये हमारी, और ये हमने सुबह का नाश्ता अभी कर रही हूँ। तो नाश्ता कर ले, फिर आपसे मिलते हैं। अभी ना क्या बोलते हैं, मैंने ना अभी ना बेडशीट में ना पानी गिरा दिया था, अभी मैं पी रही थी ना। हाँ, तो बेडशीट पे मलाइका ने आज पानी गिरा दिया है, तो अभी इतना शाम में बेडशीट चेंज करना पड़ रहा है। तो अभी मैं अंजीर खा लिया, अभी खा ली थी। ज़ैपी को दे दो, ज़ैपी को भी दे दो थोड़ा। नहीं दे दो, आप ही को भी चख ले दो। फ्रूट से ज़ैपी को भी चखना चाहिए, वन पीस ज़ैपी। नहीं वो वाला आप खा लीजिए, ठीक है। और अभी जो है शाम का टाइम है और मला जोया देखिए बोला पढ़ने बैठने के लिए, तो अभी वो बोली मम्मी थोड़ा सा मैं पॉपकॉर्न फ्राई कर पॉपकॉर्न बना लूं उसके बाद फिर पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे वो जो है पॉपकॉर्न बना रही है, आपको दिखाती हूँ। इसके ये छोटे छोटे काम है ना वो कर लेती है, अभी मरे थोड़ा बहुत उसको आदत हो गया कि छोटी छोटी चीजें कर लेना, तो ठीक है। उसका वो एज है कि वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं, लेकिन छोटी छोटी चीजें करनी चाहिए, भी आदत भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत चूल्हे के पास बैठने की। तो वो अभी वही काम कर रही है, ये देखें करके कुछ ना कुछ करने में। अभी तो पहले तो बहुत करती थी कुछ ना कुछ, अभी जो है उसका पढ़ाई का इतना प्रेशर हो गया कि अभी बहुत कम है इस टाइम में। तो लेकिन अभी आई कि मम्मी तो मैं थोड़ा पॉपकॉर्न बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठूंगी। तो अभी देखें वो पॉपकॉर्न बना रही है। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ चिली बटर पॉपकॉर्न, और इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या, और ये इस टाइप का जो है पॉपकॉर्न, ये इस टाइप का पॉपकॉर्न मिलता है बाजार में, तो ये इजी होता है। हाँ इस टाइप का पॉपकॉर्न आप घर में रियल होता है ये वाला। हाँ तो ये आप आराम से घर में बना करके अच्छी क्वांटिटी में भी, और ना ये थोड़ा हो जाता है और अच्छी क्वांटिटी में भी हो जाता है कि बच्चे अपने आराम से एंजॉय कर लें पॉपकॉर्न। हाँ तो यही मैं भी। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि हम चिली बटर पॉपकॉर्न बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है सोया का चिली पॉपकॉर्न बन रहा है, और सादा मिट्टी की डालो नहीं तो खाया भी नहीं जाएगा। अंडा रेडी कर लिया, बनाया है, अगर आप ये सोचे वो भी इतना तो एक्चुअली मैंने अंडा इसलिए बनाया क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, पेट में दर्द कर रहा था, इस वजह से मैंने बोला कि चलो अंडा ही खा लेते हैं। हाँ तो इस वजह से अंडा खा लिया और थोड़ा सा चिलिंग के लिए अच्छा सा स्नैक के लिए मैंने चिली पॉपकॉर्न बना लिया। तो ये देखिए ये हमारा पॉपकॉर्न जो है कितना अच्छा से हो गया है, और हुआ या फिर पॉपकॉर्न हुआ या फिर उसको जो तलने वाला होता है वो लेके रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चे बाहर के खाने से अच्छा है कि वो लोग घर की चीजें खाएं, घर में बनाई हुई चीजें खाएं, इसलिए रखती हूँ कि शाम में बच्चों को थोड़ा भूख लगती है तो वो लोग ये सब कर सके। अभी देखिए अच्छे से पॉपकॉर्न वो लोग खा लेंगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं रही, तो यही वजह कि मैं रखती हूँ घर में ये सब चीजें। तो अभी मैं लोगों को पढ़ने बैठाई हूँ कि लोग पढ़ने बैठे, क्योंकि इन लोगों के भी एग्जाम्स फिर से स्टार्ट हो गए हैं, और आज तो यकीन माने आज मेरा एकदम मन नहीं कर रहा था पढ़ने पढ़ाने का, क्योंकि आज सुबह से इतना थका थका लग रहा था ना चेहरा भी, और अंदर से भी इतनी थकान लग रही थी कि आज बिल्कुल मन नहीं था किसी को भी पढ़ाने का आज। लेकिन क्या करें, इन लोग का एग्जाम भी है तो पढ़ाने बैठाना ही था मुझे, लेके बैठना ही पड़ा। कभी कभी ऐसा होता है, आज एकदम सुबह से मैं एकदम लगता है रेस्टलेस लग रही हूँ, एकदम सोने का भी मन कर रहा है, नींद भी लगता है पूरी नहीं हुई है। तो यही वजह होता है कि कभी कभी बच्चों को और घर का सारी चीज करना ना आज एकदम आराम नहीं हुआ है, तो सारी चीज करने में कभी कभी बहुत ये लग जाता है, खल जाता है, कभी लगता है कि नहीं थोड़ा आराम कर लें, थोड़ा कुछ कर लें, लेकिन आज एकदम मन नहीं था।
तो बस अभी लेकिन जरूरी है इसलिए मैं लेके बैठ गई हूँ कि बच्चे मेरे थोड़े पढ़ लें। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जहां तक हो सके शेयर करें। अपने दुआओं में हमें याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।